नमस्कार दोस्तों, इला जयसवाल किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेहतरीन फुलवड़ी बनाने की रेसिपी। ये फुलवड़ी एकदम टेस्टी है और फटाफट से बन जाती है, तो चलिए फुलवड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 200 ग्राम कोसली ग्राइंड किया हुआ बेसन लेंगे। उसमें 50 ग्राम सादा बेसन डालेंगे, 50 ग्राम सूजी डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सफेद तिल डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया क्रश करके डालेंगे, 1 पिंच नींबू के फूल डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 3 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे और 1/2 कप दही डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने उसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका आटा गूंथेंगे। हमें सख्त आटा गूंथना है। तो हमने एकदम बढ़िया आटा गूंथ लिया है। अब हम उसे ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तब तक हम गैस पर छोटा सा पैन रखेंगे। उसमें 3 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए डालेंगे। तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है, उसे हल्का सा गरम करना है। तो तेल गरम हो गया है। अब हम गैस ऑफ करके उसे नीचे उतार लेते हैं। आटे के ऊपर से ढक्कन हटाएंगे। उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, उसके ऊपर गरम तेल डालेंगे, और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। तो हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब हम हाथों की मदद से इस तरह से फुलवड़ी बना सकते हैं। तो ऐसे हमें हाथों से रोल करना है। आप देख सकते हैं बढ़िया फुलवड़ी तैयार हो गई है। इसे हम फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, या तो हम संचे की मदद से भी फुलवड़ी बना सकते हैं। बड़े होल वाली जारी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों से बनाई हुई फुलवड़ी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। उसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारी फुलवड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम संचे की मदद से फुलवड़ी निकालेंगे। इस तरह से छोटे टुकड़े निकाल कर उसे फ्राई करना है। पहले के जैसे सेम इसे भी फ्राई कर लेंगे।
तो फुलवड़ी फ्राई हो गई है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारी एकदम बेहतरीन और टेस्टी फुलवड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। ये फुलवड़ी घर पर बनाकर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।